और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता, सीधे आपको लिए चलते हैं। बेटियों ने पदक जिताए तो अब रवि दहिया ने शानदार प्रदर्शन किया। अब बेटों की बारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुनिया हो, दहिया हो, बाकी हमारे खिलाड़ियों अब शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। जेवलिन थ्रो में भी आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेवलिन थ्रो के अंदर करके सबसे फाइनल के लिए जो कम्पीट किया है उसमें सबसे हाईएस्ट मीटर पे फेंका है जेवलिन। निश्चित तौर पर उम्मीदें बहुत है, जैसे मैंने कहा था कि आज का स्पेशल दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीदें और ज़्यादा बंधी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत और अच्छा करे। महिला हॉकी भी आपको लगता है कि पदक जीतेगी? निश्चित तौर पर भारत की बेटियों ने जो एक नया आयाम स्थापित किया है और पूरे देश को जो उम्मीदें बंधी हैं, देश की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरेंगी और अपना शानदार प्रदर्शन करेंगी। जी, के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, रवि कुमार दहिया फाइनल में पहुंच गए, एक और पदक जो है भारत के लिए सुनिश्चित हो गया। पहले तो मैं देश की ओर से और आप सबकी ओर से रवि दहिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत खास है भारत के लिए। पहले लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अब रवि दहिया का फाइनल में पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। और अभी हमारी महिला हॉकी खिलाड़ी भी सेमीफाइनल में खेलने जा रही हैं, तो मेरा मानना है पहले तीन बेटियों ने पदक जिताए तो अब रवि दहिया ने शानदार प्रदर्शन किया। अब बेटों की बारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुनिया हो, दहिया हो, बाकी हमारे खिलाड़ियों अब शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। जेवलिन थ्रो में भी आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेवलिन थ्रो के अंदर करके सबसे फाइनल के लिए जो कम्पीट किया है उसमें सबसे हाईएस्ट मीटर पे फेंका है जेवलिन। निश्चित तौर पर उम्मीदें बहुत है, जैसे मैंने कहा था कि आज का स्पेशल दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीदें और ज़्यादा बंधी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत और अच्छा करे। महिला हॉकी भी आपको लगता है कि पदक जीतेगी? निश्चित तौर पर भारत की बेटियों ने जो एक नया आयाम स्थापित किया है और पूरे देश को जो उम्मीदें बंधी हैं, देश की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरेंगी और अपना शानदार प्रदर्शन करेंगी। जी, के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, भारतीय महिला टीम इस वक्त सेमीफाइनल खेल रही, इतिहास रचा था, तीन बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी जगह बनाई थी, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है अर्जेंटीना के साथ वो 1-1 से बराबरी पर। हम तुरंत लौटेंगे, पूरी देश में दुआओं का दौर भी भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए चल रहा है, लेकिन खबर अब दिल्ली से, गंभीर खबर है। दिल्ली में नाबालिग बच्ची से रेप पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटकर सवाल किया कि कांग्रेस पंजाब और राजस्थान में रेप की वारदात पर चुप क्यों हो जाती है, दिल्ली में उसे याद क्यों आती है। जो हादसा हुआ उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला, अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी, इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर। सुनिए। आप सभी बंधु भगिनियों को बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट नोटिस में आप यहां आए हैं और इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। बंधुगण, बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं। हम हिंदुस्तान को भी
सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत दुखद है। बंधुगण, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद कुछ सवाल राहुल गांधी जी से भी करूंगा। राजस्थान पे आते हैं, कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है उसके हिसाब से, राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। पिछले 6 महीनों में बलात्कार के आंकड़ों में 30% वृद्धि हुई है राजस्थान में। साल 2020 में 13,750 केस दुष्कर्म अर्थात बलात्कार के राजस्थान में हुए। बहुत सीरियस इश्यू है। राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ूंगा देश के लिए, ताकि राहुल गांधी, जो शायद ये नहीं जानते या जान के भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण, अपने यहां माता पिता दोनों का ही जिस प्रकार से फोटो ट्वीट किया, क्योंकि वो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वहां आपने जिस प्रकार से ये फोटो ट्वीट किया है माता पिता का, स्वाभाविक रूप से आपने उस बच्चे के फैमिली की आइडेंटिटी को चौराहे पे डाल दिया है। माता पिता दलित है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं माता पिता को यह सब बताया नहीं गया होगा कि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 74, सेक्शन 23, बेचारे गरीब लोगों को आप यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। दिस इज यूजिंग दलित एंड द पुअर फॉर फर्दरिंग योर ओन पॉलिटिकल एजेंडा। दिल्ली में बच्ची से रेप पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, तो 2024 की भी राजनीति काफी तेज हो गई है। मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक की घेराबंदी की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली का राजनीतिक दौरा कर चुकी हैं, तो नीतीश कुमार फिर से तेवर दिखाकर बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। और इस सब के बीच राहुल गांधी भी विपक्ष के बीच अपना कद बढ़ाने की लगातार कोशिशों में जुटे। कोलकाता से दिल्ली तक दीदी की सियासी दौड़। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी का राजनीतिक रण। जाति आधारित जनगणना पर नीतीश का दांव। निगाहें 2024 पर, निशाना राजनीतिक गोल पोस्ट पर। एक साथ देश के तीन बड़े नेता सुपर एक्शन में हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया और फिर साइकिल से संसद पहुंचकर अपनी सक्रियता दिखा दी। राहुल गांधी का ये नया अवतार बता रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के ऊपर हमारे को विश्वास है। हम किसको भी दबाते नहीं, ये गलत प्रचार कर रहे। आप कितने भी यूनिट हो जाओ, हमारे को आपत्ति नहीं। आप यूनिटी हो जाओ, आप देश के लिए अच्छे काम करो, देश को विश्वास मिले हो। हमारे को गलत प्रचार करते हुए आप जो यूनिट होने के लिए प्रचार कर रहे, आप समझना चाहिए। राहुल गांधी मोर्चे पर उतर आए हैं तो ममता बनर्जी की सक्रियता भी नई सीमाएं तय कर रही है। ममता बनर्जी मानसून सत्र में 5 दिन दिल्ली रहकर लौटी। राहुल सोनिया गांधी से राजनीतिक मुलाकात की तो प्रधानमंत्री मोदी से उनकी औपचारिक भेंट ही हुई। ममता बनर्जी का अंदाज बता रहा है कि खेला होबे के जिस मिशन की शुरुआत उन्होंने पश्चिम बंगाल से की है, उसका तेजी से विस्तार का इरादा है। सोनिया जी इनवाइटेड में फॉर ए कप ऑफ टी, राहुल जी इज आल्सो देयर, सो वी मेट, वी डिस्कस द पॉलिटिकल सिचुएशन इन जनरल एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट पेगासस टू कोविड सिचुएशन एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द यूनिटी ऑफ द अपोजिशन। सो ऑल वी डिस्कस, इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग, पॉजिटिव मीटिंग। आई थिंक द पॉजिटिव रिजल्ट मस्ट कम आउट इन द नेक्स्ट वीक। दीदी की दिल्ली वाली दौड़ के आसपास ही नीतीश कुमार ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। सुशासन बाबू ने जाति आधारित जनगणना का नया राजनीतिक राग अलाप कर दिल्ली को यह संदेश दे दिया है
कि भले ही बिहार में बीजेपी से यारी है, लेकिन 2024 के लिए उनकी भी तैयारी है। और पार्टी के एक बड़े नेता ने तो खुलकर नीतीश को पीएम मटेरियल तक बता दिया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर अपना जो वक्तव्य भाषण दिया वहाँ और पूरा समर्थन किया एकजुट होकर। ये 2021 है और विपक्ष की निगाह 2024 पर टिकी है, जो कि अभी 3 साल दूर है। लेकिन राजनीति में वक्त बीतते और वक्त बदलते देर नहीं लगती, और विपक्ष के रास्ते में तो यूं भी हजार बाधाएं हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबका अपना अपना सियासी गणित है और सबकी अपनी अपनी मजबूरी भी है। इसलिए यही मानिए कि बस ये आगाज है, अंजाम आते आते हालात न जाने कौन सा मोड़ ले ले। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।